हैंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपका सेट चलते चलते रुक जाता है, सेट ऑन करते हो तो ऑन करने पर सैमसंग नोकिया या लावा इस तरह से लिखा हुआ आता है, तो वो आपकी हैंग प्रॉब्लम कहलाती है और धीरे धीरे उसकी डिस्प्ले भी वाइट हो जाती है, तो होती है हैंग प्रॉब्लम, वो सेट बंद हो जाता है। और दूसरा कई बार चलाते हैं और चलाते लग रहा है आपने कुछ खोला तो एकदम अपनी जगह पर रुक गया, जी सर। तो वो होती है हैंग प्रॉब्लम। और एक होता है कॉन्टेक्ट सर्विस, क्या आपके फोन में कॉन्टेक्ट सर्विस आ रही है, एमरजेंसी आ रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है कई बार सॉफ्टवेयर से भी आती है। जी तो जब हैंग प्रॉब्लम जब आती है तो फिर कस्टमर क्या होता है कि वे चलते चलते रुक रहा है, जी तो उसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन पहले के सेटअप में क्या होता था, चलते थे अपना भी बंद हो जाना, जी अपना ब्लिंक करना, तो उसमें वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती थी। अब के सेट जो होते हैं ये तुम्हारे एंड्रॉइड फोन है तो जी सर इसमें हैंग प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कोई एप्लीकेशन होती हैं जो किसी ने बहुत ज्यादा एप्लीकेशन भर ली है जरूरत से ज्यादा, जी तो जरूरत से ज्यादा एप्लीकेशन भरने के बाद वो हैंग करने लग जाता है। जी बहुत से क्या करते हैं, 2 GB रैम वाला फोन होता है तो उसके अंदर वो ज्यादा 2 GB से सिर्फ 100 MB या 300 MB या प्लान वो खाली छोड़ते हैं, जी तो उसमें भी आपका फोन हैंग करने लगता है। बहुत जी से क्या करते हैं सिम में मेमोरी कार्ड भी डाल के रखते हैं, वो भी भरा रहता है और उनका फोन भी भरा रहता है, जी तो उस वजह से भी फोन वो हैंग करता है। जी हैंग में क्या हो, किस वजह से होता है, क्यों, इसी वजह से वो हैंग होता है, ठीक जी है। तो उस हैंग को दूर करने के लिए क्या होता है, अगर आपको 2 GB वाला फोन है जी सर तो उसमें 1 GB ही डाटा रखो जी और 1 GB को खाली रखो, जी बाकी डाटा अपने इंटरनल मेमोरी में जो अपने एक्सटर्नल मेमोरी लगा रखी है जी मेमोरी कार्ड उसमें डाल के रखो, जी उसको आप बढ़ा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने कम कैपेसिटी वाला फोन है जी उसमें आपने एक्सपेंडेबल यानी कि मेमोरी कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो आपने उसको 64 GB में डाल दिया, वो करना है 32 को एक्सेप्ट, जी आपने 64 में तो डाल दिया उसको एक्सेप्ट भी कर लिया लेकिन उसके अंदर उसको ले नहीं पा रहा है जी तो चल भी नहीं पाता है, तो इस वजह से वो हैंग करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सॉफ्टवेयर कस्टमर से जो इस तरह की पूछी जाती है कस्टमर सॉफ्टवेयर करवाना होता है उसका, जी और कस्टमर से आप उसी तरीके से पैसे ले सकते हो, छोटा मोटा फोन है तो 100 रुपए, कोई अदर बड़ा फोन है 200 से 300 रुपए, कुछ जी और बड़ा फोन है तो 500 600 700 रुपए, इस जी तरीके से ये चीजें ले जाती हैं कौन आपकी होती है हैंग प्रॉब्लम, ठीक जी है। अगर सॉफ्टवेयर करवाने के बाद भी वो हैंग प्रॉब्लम दूर नहीं होती है तो आप उसके आईसीयू को हीट कर सकते हैं, गर्म जी कर सकते हैं, जी ठीक है। पहले से पहले आपको हार्डवेयर का काम नहीं करना है, सबसे पहले इस तरह की चीजें आती हैं तो पहले सॉफ्टवेयर करवाओ उसके जी बाद आपको हार्डवेयर करना होगा, जी हार्डवेयर करने के बाद भी वो चीज प्रॉब्लम दूर नहीं होती है तो वो उसकी आईसी से प्रॉब्लम आ रही है, वो है फ्लैश आईसी। जी सर कस्टमर को दे दो वापिस, अपने ऊपर कुछ मत रखो, स्टार्टिंग में क्या होगा नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, जी सेट अगर नहीं होता ठीक नहीं होता कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका हाथ साफ होगा आप ठीक करने लगोगे, जी एकदम से कोई परफेक्ट नहीं होता काम करने के लिए, या आपने कहीं काम सीखा और एकदम से परफेक्ट हो गए हो, नहीं, जी आज के टाइम में कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है अभी भी कि जी सर आप उसका आपके पास कोई सेट आया उसको फौरन ठीक कर दिया हो, आज के टाइम में कोई भी परफेक्ट नहीं है, जी हर कोई नई से कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, ठीक है। जी तो सर ये सब चीजें आपकी हैंग प्रॉब्लम, कॉन्टेक्ट सर्विस, कॉन्टेक्ट सर्विस प्रोवाइडर, नॉन नेटवर्क, इस तरह की प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर से करा के देखो, उसके बाद भी होती है तो अपना आगे करो, जी सर ठीक है। जी तो ये आपकी हैंग प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। जी